भगवान आदिनाथ की मूर्ति बनाया। इस टावर को बनाने का उद्देश्य ये था, जो जैन राजा थे उन्होंने 24 जैन तीर्थ यात्राएं की थी, यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी की, उसकी खुशी में इस टावर को बनाया गया। इस टावर के पास में जो मंदिर बना हुआ है वो है भगवान महावीर स्वामी का मंदिर। अंदर महावीर स्वामी, शांतिनाथ जी, आदिनाथ जी की मूर्ति लगे हैं। ओरिजिनल मूर्ति तो क्या युद्ध के टाइम मुगलों के अटैक हुए ना, उस टाइम तोड़ दिया गया। बाद में ये मंदिर ऐसे खाली पड़ा हुआ था, जब गवर्नमेंट ने फोर्ट को अपने अंदर में लिया तो उन्होंने यहाँ पर भी मार्बल का मूर्ति बनवा के लगवाया हुआ है, अभी वही लगे हुए हैं। मंदिर बना 11 सेंचुरी में, टावर बना 12 सेंचुरी में। तो यह टावर उस टावर से 200 साल पहले बना, वो टावर देखते ना विजय स्तंभ, उससे 200 साल पहले ये टावर बना, उसके बाद में वो बना, इसको देखते ही बनाया गया। और जैसे जैन लोगों बहुत से बोलते हैं, जैन लोगों के यहाँ क्यों बने हुए हैं, तो जैन लोग जो होते थे ना वो राजा के अकाउंट्स का काम देखते थे, जैन लोग भी देखते अकाउंट्स का काम, हिसाब किताब। वैसे उस ज़माने में राजा का जैन लोग भी देखते थे, तो जैन लोगों के यहाँ मोनूमेंट, टेम्पल, पैलेस, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। और महाराणा प्रताप की सेना में जो मंत्री थे ना, दानवीर भामाशाह, वो भी जैन ही थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपये डोनेशन दिया था उस ज़माने में, और उन 25 लाख रुपये से महाराणा प्रताप ने बहुत बड़ी सेना तैयार की थी, और उस सेना के साथ इस मेवाड़ को अकबर के कब्जे से मुक्त करवाया था। लेकिन महाराणा प्रताप जीते जी दो फोर्ट नहीं जीत पाए थे, एक ही चित्तौड़गढ़ का फोर्ट और एक दूसरा मांडलगढ़ का फोर्ट, बाकी पूरा मेवाड़ उन्होंने अकबर के कब्जे से वापस ले लिया। वहाँ चलेंगे व्हाइट वाला, लेकिन यहाँ सारी टूटी भी अच्छी थी। यहाँ की जो ओरिजिनल टूटी थी ना, जैसे माना पता की तलवार, उनका भाला, वो मैंने आपको बताया का सोने का सूर्य भगवान का मूर्ति, वो सारी चीज़ें आपको सिटी पैलेस में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उनका निजी प्रॉपर्टी है और वो सारी चीज़ें उनकी निजी थी। वो लोग यहाँ से उदयपुर में इन्होंने रखवा दिया मतलब। हाँ, वो क्या इनका निजी है, और ये तो क्या जैसे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें ले गए थे। अब यहाँ से चलेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, अपना लास्ट पॉइंट है वो जो ट्राइबल पीपल्स का म्यूजियम है, नेशनल एंड, जहाँ एक तो आपको सीतापल का साड़ी देखने को मिलेगा, उसके अलावा भी जैसे तुलसी, लोटस, कोकोनट, बेम्बू, तरह तरह के फाइबर का तरह तरह का साड़ी बनाया जाता है, और सारा वेजिटेबल कलर मिक्स करके बनाया जाता है, और हाथों से बनाया जाता है, मशीनों के द्वारा नहीं बनता है। वो आगे दूसरा जैसे मेडिसिन ब्लैंकेट, जैसे अपने शरीर में घुटनों का, कमर दर्द, कोई भी दर्द होता ना, उसके लिए मेडिसिन ब्लैंकेट बनाया जाता है, गोहर बनाया जाता है। वो क्या अपने आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है वो जड़ से खत्म हो जाता है, भविष्य में कभी दर्द नहीं होता, डॉक्टर के पास भी जाने का जरूरत नहीं पड़ता, इतना कारगर होता है। तो वो क्या जैसे सर्दी के टाइम गर्म रहता है, गर्मी के टाइम ठंडा रहता है, ऐसा है, वो आपको दिखाते हैं। आप बैठिए अपना लास्ट दो चार चार 6,000 का हो जाओ यहाँ GST टैक्स रेट कुछ नहीं लगेगा, यहाँ ही बनता है, यहीं सेल होता है, वो कोई बिजनेस के लिए नहीं। जैसे आप लोग घूमने आए हो तो आपको वो दे दिया जाएगा अगर आप लेना चाहेंगे, ताकि आप उसका पब्लिसिटी करेंगे आपके ऊपर। ये वाला वो कोई शॉपिंग सेंटर भी नहीं है, वो ट्रस्ट का बना हुआ है, आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो देख के जाना होगा। ऐसा यूँ नहीं कि आप गए तो आपको कुछ लेके नहीं करना, हमारी नानी ले गई है। चलो भाई तो मैं दिलवाता हूँ। हेलो, बहुत अच्छा जी रहा हूँ, यहाँ के बारे में आइए सर, पानी पीने इन सब विंडो बना के सब डिलीट होने एक दिन।
नमस्ते 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 सीधा मुंह में करेगी होगा। हाँ कुछ भी नहीं खिंचवा रहे थे इतना दो कितना सब उड़ा है ना तुम अपने वहाँ खींचेदार पानी देना वो उसमें बर्फ का इतना टुकड़ा है वो सीधा उसमें से निकल के गले में आया बहुत ठंडा है बर्फ देख लो छोड़ो 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 कितनी का मिलता है मेरे को वेयर इज बार आवाज नहीं निकलेगा ये पानी अरे यार तो गला खराब कर देगा रोक ना पीपीएस नहीं आरपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस मैंने कहा नहीं बोर नहीं वो दिन के साथ में अकेले अकेले बोर हो जाता है रात ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया पैर बजाते बजाते मैं तो जब भी सोया आराम से सोया हूँ कम्बल कोई नहीं सोया मैं ये तो वहीं के दिखता है वो तो आप फोन करते हो जो मीना है किसमें बैंक में किसमें वो वरना सोलाल मीना मीना अलग होते मीना एक ही बात है ठीक है मीना और मीना के राजा पानी में मीना लगा रहा है अच्छा अब वहाँ यूट्यूब में मीना लगा रहा है देखिए राजस्थान में वो यूट्यूबर है वो जनरल में ही है हाँ जितनी चौक है ना